लो दोस्तों, आज की जो हमारी दुनिया है वो कितनी एडवांस हो चुकी है। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, डे टू डे एडवांस हो रही है और लोगों का भी काम काफी आसान हो रहा है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इथिकल हैकर्स, पाइथन, जावा लैंग्वेज सीखे लोगों को हायर कर रही है और उन्हें एक अच्छा पेमेंट भी दे रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, उसके हिस्ट्री को लेकर के। और इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि कौन से ईयर में डेनिस रिची को अवार्ड मिला था उनके काम के लिए और उनके साथ कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। तो इस वीडियो में बने रहिए, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। डेनिस रिची का जन्म 1941 में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री पूरा किया। उसके बाद वो बेल लेबोरेटरी गए, जहां उनकी मुलाकात यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर केन थॉम्पसन से हुआ था, जिनका जन्म 1943 में हुआ था। उस समय बेल लेबोरेटरी में बी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। सी लैंग्वेज से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने थे, जैसे बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज, इन सभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लगी, जिसके कारण सी लैंग्वेज का को बनाया गया था। डेनिस रिची ने कुछ डेटा टाइप और सिंटेक्स को बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड करके एक नया लैंग्वेज बनाया, जिसका नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा गया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट डेनिस रिची ने किया था 1972 में बेल लेबोरेटरी में, जो कि USA में है। एक टाइम पे PDP-7 कंप्यूटर पर डेनिस रिची और केन थॉम्पसन ने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक साथ काम किया था। बेल लैब्स में एक नया पावरफुल मशीन वाला कंप्यूटर PDP-11 को लॉन्च किया गया। डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को PDP-11 में इम्प्लीमेंट किया। इसके चलते PDP-11 पहला कंप्यूटर बना जिसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी के कारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी यूज़ हो रहा है। डेनिस रिची और केन थॉम्पसन को यूनिक्स और सी लैंग्वेज पे काम करने के लिए US नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा 1999 में। यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज के नेम, डेट और फाउंडर का नाम है, इसे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स के बारे में। जो पहला फीचर है सिंपल, सेकेंड मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, थर्ड मिड लेवल लैंग्वेज, फोर्थ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिफ्थ रिच लाइब्रेरी, सिक्स्थ मेमोरी मैनेजमेंट, सेवन फास्ट स्पीड, एट पॉइंटर, नाइन रिकर्सन और टेन एक्सटेंसिबल। यदि ये सभी फीचर्स को डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।